अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। मेरी दुआएं के अलावा आप तमाम लोगों को बहुत खुश रखें और तमाम परेशानी और मुसीबत से दूर रखें, आमीन। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी दावत प्रिपरेशन जो कि मैंने अपनी सिस्टर के निकाह के बाद की थी। ये खाना बना था 18 to 20 लोगों के लिए, जिसमें मेरी सिस्टर के ससुराल वाले थे और हमारी अपनी फैमिली के मेम्बर्स थे। मैंने बनाया था इसमें रशियन सैलड और मेन कोर्स में था चिकन पुलाव, चिकन जलफ्रेजी, चिकन 65, बीफ, शामी कबाब और डेज़र्ट में था कस्टर्ड ट्राइफल और शाही टुकड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है जो फर्स्ट डिश, वो है शामी कबाब, जिनकी प्रिपरेशन मैंने 1 नाइट पहले ही कर ली थी। लाइक ये थी दावत हमारी जुमे को और जुमेरात की रात को मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। बीफ लिया था मैंने 1.5 kg, उसमें मैंने तकरीबन 700 ग्राम चने की दाल डाली थी और उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऑनियन हो गए, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक, मिर्चें, पुदीना डाल के मैंने इसको रख दिया था प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में रखा था मैंने इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए और इसका बैटर जब अच्छे से गल चुका था तो फिर मैंने इसको कबाब की शेप दे के इसको मैंने रख दिया था। फ्राई करने का टाइम मुझे नहीं मिला था क्योंकि वो हमने नेक्स्ट मॉर्निंग करने थे, तो मैंने उनको ऐसे ही एज़ इट इज़ फ्रीज कर लिया था। और नेक्स्ट डे बनाने में मुझे पहले डर था कि मे बी वो ख़राब हो जाएंगे, बट वो ख़राब नहीं हुए थे। तो इसका जो मेजरमेंट होता है स्पाइसेस का, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है। लाइक आपको कितनी मिर्चें खानी होती हैं आप उसके मुताबिक डाल सकते हैं। हमारे घर में स्पाइसी खाया जाता है खाना, और स्पेशली कबाब्स वगैरह ये जो स्टार्टर्स होते हैं, जो भी जिस किस्म के भी कबाब होते हैं ना, वो स्पाइसी अच्छे लगते हैं। और चने की दाल होने की वजह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो ये कबाब्स होते हैं ये मीठे मीठे भी लगते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा गोश्त जो है वो गल चुका है और उसके स्पाइस अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। इसको भी मैंने चॉपर में पीस दिया था और कबाब की शेप दे दी थी, जिसकी वीडियो मैं नहीं फिल्म कर पाई थी, वो स्किप हो गई है या कहीं पर डिलीट हो गई है। तो दिस इज़ हाउ द कबाब्स लुक लाइक। उसके बाद उसी रात को मैंने प्रिपरेशन कर ली थी अपनी एक डेजर्ट की, इसे कहते हैं शाही टुकड़ा। ब्रेड लेनी थी मैंने एक फुल पैक, क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही बनाई थी ब्रेड। लाइक ज़्यादा शाही टुकड़े बना लिए थे क्योंकि मुझे डर था कि वो ऐसा नहीं हो कि वो लाइक इनफ ना हो, कम पड़ जाए। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड के स्लाइसेस कर लिए थे। मैंने इसकी जो साइड्स है ना वो नहीं काटी थी क्योंकि मैंने एज़ इट इज़ रखने लिया था। फिर मैंने बटर मेल्ट कर लिया था, बटर में मैंने डाल लिया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से ये होता है कि उसकी खुशबू थोड़ी अच्छी आ जाती है। तो फिर मैंने ब्रेड्स को कर लिया था फ्राई अच्छे से। आप मेक श्योर करें कि जब आप शाही टुकड़े बनाते हो तो जो ये ब्रेड्स होती है ना, इनको सही टेम्परेचर पे आप इन्हें फ्राई करें, क्योंकि अगर टेम्परेचर ऊपर या नीचे होगा तो एक ज़्यादा होगा तो एक तो आपकी जो सी ब्रेड्स हैं वो जल्दी से जल जाएंगी, और अगर कम होगा तो जो जितना भी ऑयल है ना वो आपकी ब्रेड्स में, ब्रेड स्लाइसेस में अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो मैंने यही ट्राई किया था। मैंने मीडियम टू हाई पे रखी थी ये आंच और फिर मैं पास ही खड़ी रही थी ताकि कोई इशू ना हो। और जब जहाँ पे शाही टुकड़े बन रहे हैं वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन कर दी थी रशियन सैलड की। लाइक यू नो, जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता और बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये थे उसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने कैरेट्स हैं वो ऑलरेडी ग्रेट कर ली हैं, कैबेज काट ली थी और बाकी के तो कैन में था, पाइनएप्पल भी और उसके जो कॉर्नस थे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ों के लिए रबड़ी। दूध मैंने ले लिया था 2 लीटर। 2 लीटर दूध में मैंने शुगर ऐड नहीं की थी क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क ऐड करना था। तो दूध अच्छे से यहाँ पे पक रहा है और दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ है शीरा। शीरा भी बना रही हूँ मैं और देख सकते हैं आपके इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। शीरा जौन सा होता है वो नॉर्मल ये ठीक होता है, क्योंकि अगर आपके शीरे में वाटरी हो या ज़्यादा रनी होता है जो, तो उससे ये होता है कि आपकी जो ब्रेड है वो ढीली ढीली हो जाती है, बल्कि उसमें जो क्रंचनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दूध को अच्छे से बॉयल आ रहे थे तो उसमें ऐड कर लिया था मिल्क पाउडर, ताकि क्योंकि ये रबड़ी है तो दूध को जितना भी पका रही थी मैं वो जल्दी से थिक नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लूँगी तो इससे ये होगा कि दूध ज़्यादा थिक हो जाएगा। अलमराई का दूध यूज़ करते हैं तो आई थिंक आजकल वो थोड़ा पतला आता है बनिस्बत दूसरे दूध के। तो इसको मैं फिर अच्छे से पका लूँगी। लाइक रबड़ी रेडी होने में मुझे लग गए थे ऑलमोस्ट 1 hour and 20 minutes। तो शाही टुकड़े अच्छा होता है कि अगर आप 1 नाइट बिफोर बना लें, क्योंकि ये बहुत टाइम लेते हैं, स्पेशली जब आपने ज़्यादा डिशेस बनानी हो। मेरा मेन्यू कुछ लंबा चौड़ा नहीं था, कम इसलिए भी था, एक तो मेहमान ज़्यादा थे, दूसरा ये था कि सब लोगों को इतनी चीज़ें जब वैरायटी में होती है तो ख़ुद ही मना कर देते हैं कि आप प्लीज़ इतने अहतमाम मत करें क्योंकि कैसे सारा खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध हो रहा है ठीक आहिस्ता आहिस्ता। इसमें मैंने शुगर आई गेस बिल्कुल भी ऐड नहीं की थी क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है और मुझसे ये गलती हो गई थी कि कंडेंस मिल्क मैंने पूरा डाल दिया था, जिससे बुरे तो नहीं थे बने शाही टुकड़े, बहुत मज़े के बहुत यम्मी बने थे बट ज़्यादा स्वीट हो गए। तो नेक्स्ट टाइम मैंने ये कहना है कि अगर आप लोगों में से भी कोई बनाए तो आप कंडेंस मिल्क अगर ऐड करें तो एक तो शुगर को स्किप करें जो मैंने भी की थी, दूसरा ये कि आप प्लीज़ उसकी हाफ़ क्वांटिटी ऐड करें या फिर आप अनस्वीटेंड जो सा होता है कंडेंस मिल्क वो यूज़ कर लें। रबड़ी तो यह है कि और भी ठीक हो सकती थी बट फिर वही बात कि जो दूध इसका था रबड़ी का उसने फिर ब्रेड में नहीं जाना था और मैं चाह रही थी कि जो शाही टुकड़े बने वो दूध में डूबे हुए हों। मैं एक और मेथड से भी बनाती हूँ जिसमें होता है कि रबड़ी बिल्कुल आपकी जो सी है वो बिल्कुल लाइक क्रीम शेप में आ जाती है। तो थोड़ी सी रनी बनाई थी मैंने, तो उससे ये होता है कि शाही टुकड़े थोड़े थोड़े से आपके स्टिल क्रंची रह जाते हैं। तो इस पर मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाह रही थी। तो यहाँ पे दूध ठीक होने लगा है और दूसरी साइड पे जो सा मेरा शीरा है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। हम इन शाही टुकड़ों को सैम्पल सबसे पहले मैं जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं जो फ्राई किए हुए हैं उनको डालूँगी शीरे में डिप करने के बाद मैं इन्हें अपनी ट्रे में सेट कर लूँगी जहाँ पे मुझे रखने हैं। एक्चुअली ये जो ओवर शेप की जो है इसमें नहीं रखना चाहिए था बट मेरे पास दूसरी अवेलेबल नहीं थी, सो मैंने सारे इसी में सेट कर लिए। शीरे में ब्रेड को डिप करने के बाद मैंने इस पर डाली थी अपनी जो रबड़ी मैंने रेडी की थी वो, और ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड किए थे बट वो मैंने नेक्स्ट डे किए थे तो उसकी अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, शाही टुकड़े बहुत यमी बनते हैं। मेरी सिस्टर को ये फेवरेट डिश, एक्चुअली जो मैंने मेन्यू रखा था वो अपने सिस्टर और उसके जो हस्बैंड हैं उनकी चॉइस के मुताबिक रखा था, तो जो जो उन्हें पसंद था मैंने उसमें वही किया था, इसलिए मे बी इसलिए मेरा जो मेन्यू है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट जो इसका डेजर्ट था वो था ट्राइफल। सो नेक्स्ट मॉर्निंग में जागने के बाद सबसे पहले ट्राइफल की प्रिपरेशन कर ली थी। तो ये है उसके इंग्रेडिएंट्स। जेली डाली थी मैंने रेड एंड येलो ऑरेंज, सॉरी येलो और ग्रीन मुझे नहीं मिली थी, मैं मार्केट गई थी लेने। वैसे मैंने मिक्स फ्रूट्स डाल दिए थे, फ्रेश फ्रूट्स भी थे मेरे पास बट मैंने फिर भी ये कॉकटेल भी मंगवा लिया था इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए। जेरीज को मैंने जो सी थी वो रात को ही बना के फ्रीज में रख लिया था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे कस्टर्ड बनाने की वीडियो तो सॉरी हो गई है मिसिंग क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने में आपको व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ बट बहुत कुछ मुझसे स्किप हो जा रहा है, इसीलिए ये इसी वजह से आप मेरे व्लॉग्स जो है ना वो ज़्यादा कॉन्स्टेंट नहीं है, लाइक मिसिंग हो जाते हैं। ये मैंने काटी थी स्ट्रॉबेरीज़, कीवीज़ और ग्रेप्स, मैंने इसमें ऐड किए थे एप्पल्स और एप्पल्स के साथ थे बनानास। तो सबसे पहले मैंने केक की टाइल लगा ली थी जो मैं इसकी लेयरिंग की थी, सबसे पहले डाला था मैंने केक, उसके ऊपर मैंने लगाए थे फ्रूट्स और फिर कस्टर्ड। और पाकिस्तान में तो आपको डिफरेंट फ्लेवर्स में मिल जाते हैं कस्टर्ड, लाइक वनीला में मिल जाता है, स्ट्रॉबेरी में मिलता है। स्ट्रॉबेरी यहाँ पे भी मैंने लास्ट ईयर देखा था बट यू नो उसका वैसा टेस्ट नहीं होता है जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट फ्लेवर्स के कस्टर्ड मिलते हैं ना उनका होता है। तो फिर यहाँ पर मोस्टली येलो यूज़ होता है, तो येलो लाइक इट्स बनाना या वनीला फ्लेवर है, बनाना तो नहीं, आई थिंक वनीला फ्लेवर है सॉरी जो येलो है। वैसे येलो अगर येलो है तो इसको बनाना होना चाहिए ना, राइट। सो यहाँ पे हो रही है इसकी सैम्पलिंग, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। और ट्राइफल आपको पता है कि बहुत 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 यम्मी बनता है। बस मैंने इसमें क्रीम ऐड नहीं की थी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, सॉरी। डिश है वो है चिकन जलफ्रेजी, जिसके लिए मैंने ले लिया है चिकन 1.5 kg और इसके उसमें मैंने प्याज करी है चॉप। प्याज चॉप करके मैंने कर लेने हैं ब्राउन। ब्राउन करने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद इसमें जाएंगे स्पाइसेस। इसके स्पाइसेस नॉर्मल होते हैं। इसमें इस डिश की जो ख़ास बात है वो इसका जो एंड का मसाला होता है या बघार ही कह सकते हैं, वो है जिसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करता है, उसे थोड़ी सी यूनिक डिश बना देता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हो रहे हैं मेरे प्याज ब्राउन। उसके बाद मैंने ऐड कर लिया इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट करने के बाद मैं इसमें डालूँगी, नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि अपनी हर डिश में पहले चिकन को ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे उस तरह से बनाना अच्छा लगता है। बट इस डिश का ये है कि इसमें आप चिकन ऐड करने से पहले डालते हैं नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा जो होता है गरम मसाला डाल दिया था मैंने। गरम मसाला डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने चॉप किए हुए टमाटोज़ जो हैं वो डाल लूँगी। और एज़ यूजुअल मैं टमाटोज़ को जब चॉप करती हूँ तो उसमें अपनी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर लेती हूँ, तो उसको भी मैंने अच्छे से पका लेना है। और जब उसका मसाला थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा साइडों से भुनने के बाद, उसमें जब रेडी होने की खुशबू आ जाएगी तो मैं उसमें फिर ऐड करूँगी अपनी 1.5 किलो चिकन। और चिकन को मैंने मीडियम साइज़ में काट लिया था। इट वाज नॉट लाइक बहुत छोटे क्यूब साइज़ में, नहीं, मीडियम साइज़ में काट लिया था। यहाँ पे जो हैं टमाटर वो मैंने लिए थे, बड़ा एक टमाटो लिया था और 3 जो सी हैं वो ग्रीन चिलीज़ ली थी। तो अगर आपको इट डिपेंड्स कि आपकी जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो कितनी तीखी हैं या वो कितनी स्पाइसी हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर आप जो रेड चिलीज़ होती है ना, रेड चिली पाउडर, उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऐड हो गई है चिकन और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। मीनवाइल जब तक चिकन कुक हो रही है, मैंने यहाँ पे जो बघार होता है उसके लिए काट लिए हैं कैप्सिकम्स और ऑनियन को क्यूब साइज़ में। और यहाँ पे मैं उसका रेडी कर लूँगी बघार। इसमें टमाटोज़ भी जाते हैं, बट मुझे जो टमाटो सॉगी हो जाते हैं तो उनका टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो जाता है, तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया था। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर और 1 टेबलस्पून ले लिया था मैंने ज़ीरा। उसको मैंने ऑयल में डाल के किया था फ्राई। और उसके बाद जब उसकी अच्छी सी अरोमा आ रही थी, महक आ रही थी उसके भुन जाने की, तो उसे मैंने ऐड कर लिया है अपनी शिमला मिर्चों को और अपने प्याज को। इनको मैं थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी, लाइक थोड़ा सा हिला जुला के रेडी करूँगी चिकन के ऊपर डालने के लिए। इट डिपेंड्स कि आपको चिकन जलफ्रेजी में ग्रेवी चाहिए कि नहीं। हमारे घर में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ग्रेवी पसंद की जाती है, तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी, लाइक हाफ़ कप वाटर ऐड कर लिया था मैंने। और उसको जब 2-3 बॉयल आए तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर बघार डाल दिया था। अब इट डिपेंड्स कि आपको हरा धनिया पसंद है कि नहीं, और अगर आप चाहें तो इसको हरे धनिया से गार्निश कर सकते हैं। और जिंजर हमारे घर में जो सी है वो गार्निशिंग के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होती है क्योंकि जो वो मुंह में आ जाती है तो यू नो समटाइम्स आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बेसिकली पसंद है बट बाकियों को पसंद नहीं। इसका नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद मैंने बनाया था रशियन सैलड। रशियन सैलड के इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आप जानते हैं मैंने रात में काट के रख लिए थे, और जो रेडी डब्बों की चीज़ें मैंने यूज़ करनी थी तो मैंने उनको फिर रहने दिया था। एप्पल्स मैंने तब नहीं काटे थे और मैंने पोटैटोज़ भी ऐड नहीं किए थे क्योंकि पोटैटोज़ का ये होता है कि जब आप फ्रिज में रख देते हैं ना तो उनका टेस्ट भी थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है क्रीम विच वॉज 400 ग्राम्स, और क्रीम के साथ मैंने मायोनीज़ ऐड कर लिया था 2 टेबलस्पून भर के। मुझे मायोनीज़ बेसिकली ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पे हैं मैंने जो इसमें चीज़ें ऐड की थी, रेजन्स हैं और पाइनएप्पल चंक्स हैं। अच्छे से मैंने क्रीम को फेंट लिया उसके साथ मायोनीज़ के साथ। और अब इसमें ऐड कर दूँगी अपने इंग्रेडिएंट्स। एप्पल जो से मैंने वो आई गेस 2 एप्पल्स लिए थे। तो मैंने इसमें आई नो कि इसमें ग्रीन पीस चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ें जाती है, मगर ग्रीन पीस जो उनसे थे वो मटर मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं थे और मुझे फ्रोज़न यूज़ करना पसंद नहीं है तो मैंने वो यूज़ नहीं किया, उनको स्किप कर दिया। और जो मुझे रशियन सैलड है ना वो ऐसे ही पसंद है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैं बस इसमें शुगर जो उनसे बस नाम के ऐड करती हूँ। जैसे मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर लेती हूँ और मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ, जो टेस्ट है बहुत ही यम्मी बनता है। मेरे घर में ना रशियन सैलड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लाइक वीकली बेसिस पे बनता है, इसलिए जब कोई गेस्ट भी आता है तो मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ। और एक तो क्विक टाइम बन जाता है, आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता और बहुत यमी सा भी बन जाता है। और अगर आप लोगों को ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो सी थी इस पूरे के लिए 400 ग्राम क्रीम ही यूज़ की थी। अगर आपको लेके आपका जो रेशन सैलड है वो बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें जो सा है वो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, बस उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा बैटर बनाने के लिए। तो मुझे तो जिस तरह का चाहिए था मेरा वैसा हो गया था उस क्रीम से, और फिर भी मैंने 2 to 3 टेबल स्पून जो उसमें वो मिल्क ऐड कर लिया था। और ये मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर और इसको मिक्स करके मैं अच्छे से रख दूँगी। मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सा सैलड सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिश है वो है चिकन पुलाव। ये चिकन पुलाव जो मैं नॉर्मली एवरी फ्राइडे को बनाती हूँ, जो काबली पुलाव होता है वही, बट इसमें मैंने ये वेरिएशन की थी कि मैंने इस दफ़ा कैरेट्स और रेजन्स ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद। जब ये हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी अपने चिकन और इसके स्पाइसेस। और ये डिश मैं आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी जो भी डिशेस मैंने आज ट्राई की है या बनाई है इसकी रिटन रेसिपी आप लोगों को दूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर आपसे शेयर कर दूँगी। चिकन लिया था मैंने, इसमें 3 होल चिकन थी। जो एक चिकन है वो 1 kg से अबव ही होती है, और राइस भी जो मैंने लिए थे वो आई गेस 2.5 kg थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम्स है तो राइस इतने फिर खाए नहीं जाते, क्योंकि जब आप ज़्यादा डिशेज़ बनाते हैं तो यू नो मैं चाहती नहीं हूँ कि फ़ूड वेस्ट हो। फिर भी जो सा खाना था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया था, और बहुत थोड़ा सा ही बचा था, लाइक नेक्स्ट डे के लंच के लिए कह सकते हैं आप उतना ही, क्योंकि जब आपके पास इतने मेहमान आते हो तो ये टेंशन तो लगी रहती है कि खाना कम नहीं हो जाए। सो यहाँ पे मेरा मैंने अपने पुलाव में पानी डाल दिया था। सॉरी, फुल वीडियो इसकी भी स्किप हो चुकी है। तो नेक्स्ट डिश जो सी है वो है चिकन 65। ये जो है हमारे घर की मोस्ट फेवरेट डिश है, जो इतनी रूटीन में नहीं बनती है, रेयरली ही बनाती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे है चिकन जो है 3 kg बोनलेस चिकन लिया था मैंने शादियों वालों का। उसके लिए है ये स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें चिली, सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया मैंने। फिर मैंने इसमें डालने हैं 2 एग। 2 एग्स लेने हैं आपने, इट डिपेंड्स ओके। एग का साइज़ भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास छोटे वाले एग हैं तो आप उसे 3 to 4 एग्स आपके जाएंगे। मेरे पास बड़े साइज़ के एग थे तो मैंने इसमें 2 एग्स ही डाले, अगर छोटे होते तो मैंने 3 ऐड कर लेने थे, क्योंकि मेरी जो चिकन है वो 3 kg है। इसमें मैंने ऐड किया था ½ टी स्पून रेड फूड कलर, क्योंकि ये जो चिकन 65 है ये बेसिकली रेड होती है। इसकी स्टोरी तो मुझे पता नहीं किसे चिकन 65 क्यों कहते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि एक बहुत फेमस होटल था और उस होटल में ये जो सी डिश है ये 65 नंबर पर आती थी, तो इसका नाम चिकन 65 है। सो आई हैव नो आइडिया कि ये सही बात है कि नहीं। जब आपके जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएंगे, रेड फूड कलर भी मिक्स हो जाएगा, तो आपने इसमें ऐड कर लेना है ग्रेजुअली कॉर्नफ्लोर और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे ये होता है कि आपकी चिकन की अच्छे से कोटिंग हो जाती है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मैदा ऐड नहीं किया था, मैंने स्किप कर दिया था। यहाँ पे आपने चिकन को मैरिनेशन जो सी आप अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी चिकन के स्लाइसेस छोटे हैं तो विदिन 30 मिनट्स भी आप जो है फ्राई कर सकते हैं, मगर मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था। चिकन फ्राई होने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है वो है इसको दम लगाना, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको चिकन ड्राई चाहिए या ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाल लिया है, कड़ी पत्ता डाल लिया है, और 3 to 4 जो सी हैं ग्रीन चिलीज़ हैं। जब वो पक जाए, उनकी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो आपने इसमें ऐड करने हैं दही। अब दही का इसमें यही हिसाब होता है कि अगर आपकी चिकन 1 kg है तो आपको जो सा वो ½ कप दही चाहिए होगा। तो मेरी चिकन जो सी 3 kg, तो मैंने इसमें 1.5 कप दही का ऐड किया है। इसको अच्छे से पका लेना है। दही जब अपना पानी छोड़ेगा और जब दही का पानी खुश्क होना शुरू हो जाए तब आपने इसमें ऐड कर लेनी है चिकन। वो इन केस अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए, तो अगर आपको इस चिकन में ग्रेवी चाहिए, जैसे कि मेरी फैमिली को चिकन की ग्रेवी और मसाला बहुत पसंद है, तो मैं जो सा चिकन का ½ पानी ड्राई हो जाता है और ½ रह जाता है तो उसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको लगा देती हूँ दम पे। तो अब यहाँ पे हो गया है मेरा खाना रेडी। आप देख सकते हैं यह चिकन 65 जो कि बहुत ही यम्मी बनती है, और यह है मेरा चिकन पुलाव। मेरे चिकन पुलाव की एक यूनिक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जब भी ये चिकन पुलाव बनाती हूँ इस पर कोयले का बगार ज़रूर लगाती हूँ। और ये है हमारे यम्मी से शामी कबाब, जो क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा ही बन गए थे। एंड ये जो है बीफ है जो मेरी मामा ने बनाया था, और ये मैंने नहीं बनाया तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो ऐड नहीं की थी। इसके अलावा ये है ट्राइफल भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा क्वान्टिटी में इसके 2 बॉल्स बनाए थे, इन केस के अगर ये कम पड़ जाए। तो अभी खाना हमने लगा दिया था और बाकी के आइटम्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ। और ये है मेरे शाही टुकड़े, और मैंने जो सी इनकी गार्निशिंग थी वो टेबल पे आने के बाद की थी। वो मेरी चिकन अल्फ्रेजी और यह है रशियन सैलेड। आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।